नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हम और हमारी टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी इंडिया इस वक्त ये सोच रही है कि दिवाली कैसे धूमधाम से मनाई जाए, लेकिन हम और हमारी टीम ये सोच रहे हैं कि इस बार का दिवाली हम नहीं मनाएंगे। बात ऐसी है कि इस बार का दिवाली हम मनाना चाहते ही नहीं, सिर्फ इस बार नहीं बल्कि तब तक नहीं मनाएंगे जब तक हम दिवाली मनाने के काबिल ना बन जाते। बात समझ में नहीं आई ना कि हम दिवाली क्यों नहीं मनाना चाहते? पूरी वीडियो देखिए, बात समझ आ जाएगी। दिवाली मनाने से पहले आप सबको मेरी तरफ से एक सवाल है कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं? प्रभु श्री राम इसी दिन 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई थी और पूरे अयोध्या में दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था। इसी दिन को याद रखने के लिए हम दिवाली मनाते हैं। प्रभु श्री राम ने अधर्म पर विजय हासिल किए थे और हम अधर्म पर विजय हासिल कर रहे हैं या खुद अधर्म किए जा रहे हैं? ये वही देश है जहां भूख और गरीबी के चलते किसान आत्महत्या करते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति तथा बिल्डर्स अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब सिर्फ मौत के इंतजार में है। अमीर अपने शौक पूरे करने के लिए शोषण तक करना भी नहीं भूलते। देश में एक तरफ 1 लाख रुपए की चाय, 40 लाख रुपए की वैनिटी बैग और दूसरी तरफ ये हालत जो बताने लायक है नहीं। भगवान श्री राम ने अधर्म पर विजय हासिल की थी और यहाँ हम कौन सी जीत हासिल कर रहे हैं? ये जीत है इस बात की मनाई दिवाली। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो हमारा भविष्य बनाता है और आज वही सिस्टम बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। MBA, BBA, मास्टर्स की डिग्री, PhD की डिग्री, ये सारे रद्दी के भाव बिक रहे हैं। क्या ये जीत है? यहाँ जीत हासिल हुई है? देश का एक एक कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या बेसरकारी, उन सबसे मेरा एक ही सवाल है। आईने के सामने खड़े रहिए, छाती पर हाथ रखिए, सीना ठोक के बोलिए कि हम ईमानदार हैं, हमने जिंदगी में एक भी पैसे का घपला नहीं किया। लालच की वजह से हर कोई घूस पे घूस लिए जा रहा है। जिसके पास महल है वो बाजू में और एक ताजमहल बनाने की सोच रहा है। क्या यहाँ पे जीत हुई? थोड़ा तो शर्म करो, देश की अर्थनीति लालच के चलते गिर रही है। ये वही देश है जहाँ हम शोरूम्स में और मॉल्स में एक्स्ट्रा टैक्स भरते हैं, रेस्टोरेंट्स में वेटर को बिल भरने के बाद उसे टिप दे आते हैं ताकि हम उन्हें अपनी स्टेटस दिखा पाए, और फुटपाथ पे बैठे गरीबों से जो सब्जियां बेचते हैं उनसे 5-5 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं। क्या यहां स्टेटस का ख्याल नहीं आता? यहां पर जीत हासिल हुई है? स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों की करप्शन से आप अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन यह बात तो फिल्म इंडस्ट्री में भी है। अगर हीरोइन बनना है, बड़ा नाम कमाना है, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ बेड पे लेटना पड़ेगा। यहां कामयाबी का रास्ता बेड से होके गुजरता है। सड़क पे जब एक जवान शहीद होता है तो हमें अफसोस होती है कि बेचारा देश का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाया। क्या उस वक्त हम ये सोचते हैं कि उनकी घरों में दिवाली कैसी होती है जब हम कहते हैं हैप्पी दिवाली? कास्ट और रिलीजन को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अगर कदर कभी हमारी की जाती है तो सिर्फ कभी SC ST के नाम पर, तो कभी जनरल और OBC के नाम पर। कट ऑफ मार्क्स सबके लिए अलग अलग होती है। कोई जाति कोटा के नाम पर अफसर बन जाता है तो कोई पियोन तक नहीं बन पाता। जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसकी पता है क्या गलती है? कि वो जनरल कास्ट का है। क्या यहां जीत मिली है? अब बोलिए, देश में अनएम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं होगा तो क्या क्रांति पैदा होगी? अभी कुछ दिनों पहले एक 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ था। 8 महीने! जब उसे ढूंढा गया तो वो बिस्तर पर खून से लथपथ मिली। थोड़ा सोचिए, 8 महीने की बच्ची का रेप, ये कैसी मानसिकता है? जिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान की,
वो तमाम लोग जिनके साथ शोषण हुआ, जिनकी आंसू आज तक इंसाफ की भीख मांग रही है, वो भूखा किसान, वो 8 महीने की नन्ही जान जो बिस्तर पर खून से लथपथ मिली, क्या ये सारे दिवाली मनाना नहीं चाहते? ये दिवाली इनके नाम। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश में अच्छाई नहीं है, हमारे देश में संस्कार नहीं है, है सब कुछ है हमारे देश में। स्पोर्ट्स में हम आगे हैं तो कहीं व्यापार में। टेक्नोलॉजी आज इतनी तेज है कि कोई भी चीज़ आप मन में सोच लो उसे सामने लाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, इन सब की बदौलत हमारा देश कई मुल्क से मुकाबला कर रहा है। न जाने कितनी जगह हमारे हाथ फैल गए हैं, मगर आज भी कई जगहें ऐसी हैं जहाँ भी हमारी सोच और पहुँच बहुत छोटी है। जिस देश में औरत सुरक्षित नहीं है, माँ बाप डरते हैं बेटी पैदा करने के लिए ताकि उसका रेप ना हो जाए, देश का भविष्य आए दिन भूखा रहता है, तो हमने कौन सी अधर्म पर जीत हासिल कर ली जो खुश होकर दिवाली मनाए? दिवाली यानी जीत का जश्न पूरे देश में। आईने में अपनी शक्ल देखी, दिल पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए, जीत हासिल की है हमने? ये सिर्फ दिवाली है दोस्तों, प्रभु श्री राम की विजय गाथा को याद करने के लिए मनाई जाती है, लेकिन हैप्पी दिवाली नहीं। हैप्पी तो तब होगा जब सब बराबर होगा, करप्शन हटेगा, देश का हर माँ, हर बच्चा, हर किसान इंसाफ की हंसी हंसेगा। आज हम सब ने अपनी शक्ल आईने में देखी, शर्म आई कि देश में हो रहे करप्शन के पीछे हम ही दाई हैं। हमने दिवाली नहीं मनाई, दुख का मन में इसलिए सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर ये सोच आपको सही लगी हो तो सबसे पहले अपना काम ईमानदारी से करें, गरीबों की मेहनत का सही दाम दें, टैक्स भरें। हमने दिल की बातें शेयर कर दी, अभी आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इंसाफ की दिवाली मना पाए, सिर्फ दिवाली नहीं हैप्पी दिवाली मना पाए। सरकार को या अपने से बड़ों को दोष देने से पहले अपना काम ईमानदारी से करो। दुनिया को बाद में बदलना, पहले खुद को बदलो। इस दुनिया को करप्ट लोगों की करप्शन से जितनी नुकसान नहीं होती है, सच की राह पे चलने वाले लोगों का चुप रहने की वजह से ज़्यादा होती है।